अस्सलाम वालेकुम, एस्क्रेन किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बनाने वाले हैं वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी एंड वेरी डिलीशियस रेसिपी, मुरमुरे की चिक्की की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी को पसंद आए ऐसी रेसिपी है, झटपट फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ ले लिया है हमने एक कढ़ाई, इसमें हम ले लेंगे 3 कप मुरमुरा। मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमने यहाँ 3 कप मुरमुरा ले लिया है और हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट हमें देखिए इस तरह से करना है कि मुरमुरा का जो है चूरा हो जाए। और इसी तरह से हम एक बर्तन लेंगे और उसे ऑयल या घी, जिससे भी आप चाहें उसे ग्रीस कर लें, और अगर बेलन का यूज इस्तेमाल करना है तो उसे भी ग्रीस कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम गुड़ की चाशनी बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने 1 कप गुड़ लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर घी। तो फ्रेंड्स, हमने 3 कप मुरमुरा लिया है और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं कि हमारा गुड़ जो है वो हुआ है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से अगर ये खींच रहा है तो समझिए गुड़ अभी नहीं हुआ है, इसे हमें और पकाना है। तो देखिए गुड़ का कलर भी चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे। अब हम इसे फिर से सेकेंड बार चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे, तोड़कर खींचकर देखेंगे तो ये टूट नहीं रहा, ये अभी भी खींच रहा है, तो इसका मतलब इसे अभी भी पकाने की ज़रूरत है। अब हम थर्ड टाइम इसे फिर से चेक कर रहे हैं, तो तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और ये जो गुड़ है वो टूट रहा है, तो इसका मतलब हमारा गुड़ जो है वो हो चुका है। डाल देंगे 2 पिंच खाने वाला सोडा। इससे क्या होगा कि हमारा मुरमुरा जो है वो कुरकुरा और नरम भी होगा। तो इसमें हमने रोस्टेड किया हुआ हमारा मुरमुरा जो है वो ऐड कर देंगे और क्विक इसे फटाफट से हमें मिलाना है, नहीं तो ये जो है गुड़ ठंडा हो जाएगा तो ये मिलने में दिक्कत करेगा। और हमने जो ग्रीस किया था प्लेट पर, उस पर अब हम इसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फटाफट से करना होता है क्योंकि अगर गुड़ जो है वो ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे सेव देना मुश्किल हो जाता है और कटिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो स्पैचुला की मदद से या फिर बेलन की मदद से या हाथों की मदद से आप जैसे चाहें वैसे इसे सेव दे सकते हैं, आपको जैसा मेथड जो है ईजी लगे। अब इसमें हम फटाफट से कट भी लगा लेंगे, तो देख सकते हैं आप कितनी ईजीली ये कट भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नाश्ते में आप ये बनाकर दे सकते हैं और ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, तो बच्चे खाने से इनकार भी नहीं करेंगे और आपका जो काम है वो इजी होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, कितना इजी है इसे बनाना और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें कम लगते हैं, तो क्यों ना आप इसे घर पर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और बड़े भी खाएं बड़े ही मज़े से। क्रिस्पी यम्मी एंड टेस्टी मुरमुरे की चिक्की जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने कट लगा दिया है और सर्विंग प्लेट में हमने यहाँ पर सजा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।